और ये इंडियन स्पेक्टकल कोबरा सांप है दोस्तों, इनको पकड़ लिए हैं और काफी फुर्तीला सांप है दोस्तों, आप सब समझ सकते हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल घनश्याम बाबा सब पर मित्र बस्ती में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज का रेस्क्यू कॉल दोस्तों मुझे बाघा डीहा गांव से मिला है और फाइनली उस जगह पर हम पहुंच चुके हैं और ये चाचा जी हमारे पास फ़ोन लगाए थे। और चाचा जी पहले अपना नाम बताएं। धर्मराज। और इस जगह का क्या नाम है? बाघा डीहा गांव। दोस्तों ये बाघा डीहा गांव पड़ता है रुधौली से तकरीबन हनुमान निगंज के दक्षिण, और रुधौली से कितना दूर पड़ता होगा ये? 7 किलोमीटर। दोस्तों ये रुधौली से 7 किलोमीटर दूरी पड़ता है और बस्ती से तकरीबन ये पड़ेगा 30 किलोमीटर की दूरी पर। और फाइनली उस जगह पर पहुंच चुके हैं। सांप कहाँ देखे हैं आप? इस फर के पर। मतलब किस में देखे हैं आप? किस चीज का मकान है, क्या है वो? छपरा। छपरा है। और कैसे मतलब क्या हुआ, पूरा हमें पूरा बताइए। पन्नी उजाड़ते थे उसमें इधर आ गया रास्ता। अच्छा चलिए ठीक है, बताइए सांप कहाँ देखे थे आप? सांप इधर से देखे। अरे मारो, अरे मार देते। हल्ला कहाँ है बताओ, हल्ला कहाँ है सांप? दोस्तों यही वो जगह है, यहीं पर अंदर सांप गया है और अब फाइनली अब उसको चलकर देखते हैं सांप कहाँ पर। आप सब नजरें बनाए रखना, चलिए ऊपर चढ़िए। और दोस्तों यहाँ के लोग दोस्तों बहुत अच्छे हैं कि सांप को मारा नहीं, बचा लिया। और सांप को मारना नहीं चाहिए, बचाना चाहिए, जहाँ तक हो सके सांप को बचाना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। और दोस्तों आप सब देख सकते हैं यहाँ पर भैंस गाय वैस सब बैठती हैं, यहाँ पर हौदी भी रखा हुआ है दोस्तों, ऐसे में किसी के साथ दोस्तों हादसा हो सकता था। ऊपर चढ़ जाओ ऊपर। हाँ नीचे वाला, नीचे वाला उसको उठा के ऊपर से फेंक दो। हाँ सीढ़ी पकड़ लो। हाँ हटाओ उसको, निकालो तुरंत। दोस्तों सांप को पकड़ लिया गया है और ये इंडियन स्पेक्टकल कोबरा सांप है, काफ़ी फुर्तीला सांप है दोस्तों, आप सब समझ सकते हैं। और फाइनली इनको पकड़ लिया गया है और ये इंडियन स्पेक्टकल कोबरा सांप है दोस्तों, इनको पकड़ लिए हैं और काफ़ी फुर्तीला सांप है दोस्तों, आप सब समझ सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों इनको पकड़ लिया गया है, आप सब देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से पकड़ा गया है सांप को। दोस्तों मेहनत नहीं करना पड़ा, सांप को पकड़ लिया गया है और बहुत ही अच्छा काम है दोस्तों। और अब इनको यहाँ के लोग भी दोस्तों बहुत अच्छे हैं कि सांप को मारे नहीं, बचा लिए। और दोस्तों ये छपरा उजाड़ने का काम भी चल रहा है, छपरा छाने का भी काम चल रहा है, आप सब देख सकते हैं यहाँ पर ये छपरा छाया जा रहा है दोस्तों। हमारे यहाँ दोस्तों छपरे का काम बहुत ज़्यादा चलता है क्योंकि भैंस गोरू बांधने के लिए, रहने के लिए। और दोस्तों अब इनको लेकर चलकर बाहर आते हैं। चलिए ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों बाहर इनको लेकर चलते हैं। ए बाबू वो हेलमेट ले लो, हेलमेट हेलमेट। बाहर से किधर से जाएगा? इधर से लेके आओ, इधर से। खड़े रहो खड़े रहो। वहाँ लेकर आओ, वहाँ
भागिए मत, भागिए मत। और दोस्तों आप सब भी सांप को बचाइए, मारिए मत अपने पर्यावरण के लिए। दोस्तों इनको बचाना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों अगर किसी को सांप काटता है तो सीधा आप जिला हॉस्पिटल लेकर जाएं, किसी झाड़ फूक के अफवाह में ना पड़े। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, अपने लोगों में शेयर करें दोस्तों। और दोस्तों हमारा वीडियो बनाने का एक ही मकसद है दोस्तों, कि लोगों को जागरूक करना कि सांप को मारे ना बचाएं। अरे भाई पकड़, दोस्तों यहाँ के लोगों को कहना है कि जहर आप सांप का निकाले कि नहीं निकाले हैं, आप सब समझ सकते हैं दोस्तों कि हम लोग सांप का जहर निकालते नहीं हैं। फाइनली उनको पकड़ते हैं, फिर इनके वातावरण में हम रिलीज कर देते हैं। और दोस्तों आप ऐसी कॉपी ना करना, पकड़ने की नहीं, आपके साथ हादसा हो सकता है दोस्तों। कहाँ उतर हुआ, कहाँ ना भाई, कहाँ हाँ ठीक। हाँ ठीक है, आप चलिए चौराहे पे, हम आते हैं। चाचा और दोस्तों यहाँ के लोग कह रहे थे कि आप बीन नहीं लेकर आए, आप बीन बजा के सांप निकालेंगे तो निकलेगा सांप। लेकिन दोस्तों हम लोग बीन नहीं बजाते, हम लोग अफवाह नहीं फैलाते हैं दोस्तों, क्योंकि जो रियल रहता है वही हम लोग दिखाते हैं। हम किसी के साथ दोस्तों धोखाधड़ी वाला काम नहीं करते हैं। और दोस्तों अच्छा ये बताओ भैया, अच्छा हकीकत है ना, अभी सामने है ना रियल, अभी यहाँ सब लोग संतुष्ट है ना आप लोग? नहीं, जैसे अब बहुत लोग बोल रहे थे कि बीन बजाओ के, बीन बजा के, कोई बीन से बजाने से सांप निकलता नहीं, ये सब अफवाह, एक बीन बजाने से सांप बाहर नहीं आता, सिर्फ एक झूठा है। ऐसे में आप सब चक्कर में इनके ना पड़े दोस्तों, आप सब समझ सकते हैं कि बीन बजाने से सांप बाहर नहीं आता है। और ऐसे में दोस्तों आप सब भी इन सब के अफवाह में ना पड़े, जो रियल स्टोरी है दोस्तों वही देखे, वही और दिखाए। और दोस्तों हम सब भी वही करते हैं, जो सामने दिखेगा वही हम लोग पकड़ते हैं, हम लोग के पास कोई बीन वगैरह दुनियादारी नहीं है दोस्तों। हाँ भैया, यूट्यूब पर नंबर है हम सबका। तो आप सब देख सकते हैं किस प्रकार से बैठा हुआ, कितने साइज से बैठा हुआ। ये जाओ, ये आओ, बने जाओ।